So in last class we completed supervised learning. Now our another topic is unsupervised learning. तो जो जैसे हमने सुपरवाइज देखी थी उसी तरह से हमारी जो डेफिनेशन है अनसुपरवाइज लर्निंग की भी रहेगी. अनसुपरवाइज लर्निंग में जो यूज़ होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का होगा, जिसे हम शॉर्ट में AI बोलते हैं. हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो भी डेटा सेट्स हैं उसके पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, और जो हमारे डेटा सेट्स रहते हैं उसमें डेटा पॉइंट्स रहते हैं इसमें वो किसी भी तरह से क्लासिफाइड नहीं रहता है और लेबल्ड भी नहीं रहता है. जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो सुपरवाइज लर्निंग रहती है उसमें लेबल्ड भी रहते हैं, लेबल्ड भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं रहता है. अनसुपरवाइज लर्निंग को अगर हम रिफ़र करते हैं तो ये बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो भी आर्टिफिशियल एल्गोरिथम है उनको यूज़ कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ AI एल्गोरिथम हम आइडेंटिफाई कर सकें पैटर्न्स ऐसे डेटा सेट्स के जिसमें डेटा पॉइंट हो, ऐसे डेटा पॉइंट्स हो जो ना तो क्लासिफाइड हो और ना ही लेबल्ड हो. तो ऐसे डेटा पॉइंट्स को फाइंड आउट कर, डेटा पॉइंट्स के को डेटा सेट्स के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए, उसके पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस लर्निंग, इस टाइप के लर्निंग की. तो जो एल्गोरिथम होती है ये बेसिकली अलाउ करती है क्लासिफाई करना या फिर लेबल करना या फिर ग्रुप करना जो डेटा पॉइंट्स रहते हैं डेटा सेट के अंदर. इसमें किसी भी एक्सटर्नल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब आप टास्क को परफॉर्म करते हो. अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है इसमें जो सिस्टम है वो अलाउ करता है आइडेंटिफाई करना पैटर्न विद इन डेटा सेट्स, और ये वो खुद करता है. मीन्स जैसे आप अगर अनसुपरवाइज लर्निंग को फॉलो करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दैट जो भी आपका सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा पैटर्न को विद इन डेटा सेट्स अपने आप. जो भी अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें जो AI सिस्टम रहता है वो ग्रुप करता है जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसे. यहाँ पर जो सॉर्टेड इन्फॉर्मेशन है उसे नहीं ग्रुप करेगा, यहाँ जो सिस्टम है वो ग्रुप करेगा अनसॉर्टेड इन्फॉर्मेशन को, और ये अनसॉर्टेड इन्फॉर्मेशन को वो ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस करेगा. इसमें कोई भी अलग से कैटेगरी प्रोवाइड नहीं होगी. जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है वो परफॉर्म करती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग टास्क को देन सुपरवाइज लर्निंग सिस्टम. तो सुपरवाइज लर्निंग सिस्टम में हमने कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जो अनसुपरवाइज एल्गोरिथम है यहाँ पर हम मोर कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेसिंग टास्क रहेंगे उसको हम हैंडल करेंगे, और विथ रेफरेंस टू सुपरवाइज लर्निंग हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. इसके अलावा जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं स्पेशली अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए वो एक वे रहता है टेस्टिंग करने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. इसके बाद अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसे हम देखते हैं. सो जो आपका अनसुपरवाइज लर्निंग है ये और भी ज़्यादा मोर अनप्रिडिक्ट ये और भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल से. यहाँ हमने जैसे एक एग्जांपल लिया है कि एक पिक्चर है, पिक्चर में बहुत सारे एनिमल्स को हमने लिया है. तो अगर उनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने ट्रायंगल का और स्क्वायर का एग्जांपल लिया था, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल दिया है वो कॉट्स एंड डॉग्स का है. तो अगर हमें इन्हें सॉर्ट करना है तो हम इनके जो लुक होगा उसके बेसिस पे किस तरह से वो ब्रीड करते हैं या फिर किस तरह से वो अपनी पूरी प्रोसेस करते हैं उसके बेसिस पे हम दोनों को अलग अलग सॉर्ट करेंगे, ना कि सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे हम उसे सॉर्ट कर देंगे. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम रहता है ये कैपेबल होता है अनसुपरवाइज लर्निंग के. इसमें जो एसोसिएशन रहता है वो एसोसिएशन के लिए हम एक जनरेटिंग लर्निंग मॉडल को यूज़ करते हैं. ये मोस्टली इसमें जो यूज़ होता है वो रिट्राइवल बेस्ड अप्रोच का होता है, जो कि हम नॉर्मली एसोसिएट होती है सुपरवाइज लर्निंग की. यहाँ पे हमने चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेशियल रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोट्स, ये ऐसे सारे सिस्टम हैं जो या तो सुपरवाइज लर्निंग को अप्रोच को फॉलो करते हैं या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग अप्रोच को फॉलो करते हैं या फिर दोनों को फॉलो करते हैं. तो मतलब कहने का, क्या अगर आप चैटबॉट क्रिएट करते हैं या फिर आप कोई भी ऑटोमेशन
वाला चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें ह्यूमन का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जैसे हमें सेल्फ ड्राइविंग कार है तो इसमें हमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं हो और हम खुद उसको सेल्फ ड्राइव कर सके। या फिर फेशियल रिकॉग्निशन पैटर्न्स वाले आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के अगर आप जब प्रोजेक्ट्स करते हैं तो यहाँ पर आप जो यूज़ करते हैं वो या तो सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच यूज़ करते हैं या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग अप्रोच को यूज़ करते हैं या फिर दोनों को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो आपका अनसुपरवाइज, हेलो, कौन सा, टेस्ला? हाँ, उसको अनसुपरवाइज कहेंगे। कहाँ पे थे? ओके, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, हम जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसको अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग भी कहते हैं। जो आपका अनसुपरवाइज लर्निंग रहता है वो स्टार्ट होता है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग से या फिर जो डेटा साइंटिस्ट रहते हैं उनसे। और कैसे होता है, जब ये डेटा सेट को पास करते हैं और वो डेटा सेट को इसलिए पास करते हैं क्योंकि उस पर वो एल्गोरिथम अप्लाई कर सके और प्रॉपरली उसको यूज़ करने के लिए ट्रेन कर सके। जैसे प्रीवियसली हमने अभी डिस्कस किया था कि जो आपका सुपरवाइज लर्निंग रहता है उसमें तो लेबल्स रहते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज में कोई भी लेबल लेबल नहीं रहता है, कोई भी कैटेगरीज नहीं रहती है। जो भी डेटा सेट रहता है जिसे हम यूज़ करने वाले होते हैं उसमें, इसमें जो एक एक डेटा रहता है वो पास होता है एल्गोरिथम के थ्रू ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और जो जो सॉरी जो ट्रेनिंग के थ्रू जो भी डेटा पास होता है वो उसे हम अनलेबल्ड इनपुट और इनपुट ऑब्जेक्ट। नयन, 2 मिनट से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। हाँ, थोड़ा सा काम है। ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव रहता है अनसुपरवाइज लर्निंग का, विद द हेल्प ऑफ डैट आप जो भी एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के, विद द हेल्प ऑफ डैट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैटर्न को। आपका पास जो डेटा सेट रहता है उसके थ्रू आप कैटेगराइज कर सकते हैं इनपुट ऑब्जेक्ट को। और ये आप जो भी करेंगे, चाहे आप आइडेंटिफाई करें पैटर्न को या फिर आप कैटेगराइज करें इनपुट ऑब्जेक्ट को, वो सब कुछ बेस्ड होगा जो भी पैटर्न आपको सिस्टम से मिल रहा है उससे। जो एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं एनालिसिस पर्पस के लिए, उसमें अंडरलाइंग रहता है स्ट्रक्चर डेटा सेट्स का। और ये हमारे ये जो एल्गोरिथम को हम एनालाइज कर रहे हैं ये हमें क्यों हेल्पफुल रहती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डैट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूज़फुल इंफॉर्मेशंस को या फिर फीचर्स को। सो हम जो भी एल्गोरिथम को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम डेवलप कर सकें साइंटिफिक आउटपुट को। और हम ये जो करते हैं, जो एल्गोरिथम हम डेवलप करते हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड इनपुट से करते हैं, देख के करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जो ऑब्जेक्ट है वो और जो हमारे पास सैंपल है वो। यहाँ पर हमने एनिमल्स का एग्जांपल लिया है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जस्ट वो लेबल्ड या कैटेगराइज नहीं रहता है, उसी पर हम अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज़ करते हैं। या एल्गोरिथम जो आपकी गिवन है उसमें डेटा सेट्स, ऐसा डेटा सेट रहेगा जिसमें बहुत सारी इमेजेस रहेंगी एनिमल्स की। जैसे ही हम एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं तो जो भी एनिमल्स हैं उनको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। वो कैटेगरीज कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कैट एंड डॉग का बताया, तो उनके ब्रीड्स, उनके स्ट्रक्चर को लेकर हो सकती है। अभी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो उनके फैदर्स, स्केल्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स और कैटेगरीज के बेसिस पे हम उसे देख सकते हैं। इसमें आप ग्रुप कर सकते हैं इमेज को, और जब आप ग्रुप करते हैं इमेज को तब आप स्पेसिफिक सब ग्रुप की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्टिंक्शन, जो भी आपका एक एक कैटेगरी है। ये लाइन में फिर से, ये पैराग्राफ में फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर आपने जो एग्जांपल लिया है दैट इज़ एनिमल्स, एनिमल्स को एज एन एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे और एल्गोरिथम में जो डेटा सेट रहेगा, इसमें जो इमेजेस हम ले रहे हैं डेटा सेट्स की,
वो है एनिमल्स की, या फिर तुम ये कह सकते हो कि जो एनिमल्स की इमेजेस है उसका एक डेटा सेट हमने लिया है। यहाँ पे हम एल्गोरिथम की मदद से हम क्लासिफाई करेंगे एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में, उनके फायदास उनके स्केल्स के बेसिस पे। इसके बाद आप ग्रुप करेंगे इमेजेस को मोर स्पेसिफिक ग्रुप, मीन्स जैसे हम एक नॉर्मल से एग्जांपल समझते हैं कि कोई भी आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो मैं उसको फर्स्ट जब डिवाइड कर रही हूँ तो इस पे मैंने कर दिया जिसके ग्रेड्स हैं ए एंड बी, मतलब ए ग्रेड वाले, हम ए और बी भी नहीं करते, ए एंड ए प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे मैंने कैटेगराइज कर दिया। अब जब मुझे आगे उसको क्लासिफाई करना है तो मैं मोर स्पेसिफिकली कि सपोज आप दो स्टूडेंट्स हैं, आप नयन एंड सेकेंड स्टूडेंट्स मनोज, दोनों का ए ए ग्रेड है, अब मैं स्पेसिफिकली क्लासिफाई करूँ कि आपके इंडिविजुअल एक एक उसमें कितने मार्क्स आए हैं, एक एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, और इसी तरह से मैं मनोज का भी एक एक सब्जेक्ट्स का एनालाइज करूं। सो इस तरह से यहाँ पे भी हमने लिया है, सबसे पहले जो एल्गोरिथम है वो क्लासिफाई करेगी एनिमल्स को, स्पेशली जो मेन चीज़ें हैं उसके बेसिस के, उसके बाद वही जो इमेजेस हैं उसको और स्पेसिफिक सब ग्रुप्स में डिवाइड करेगी। और एसडी ये ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि आइडेंटिफाई इसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हर एक कैटेगरी को। यहाँ पे जो हम एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अनकवरिंग कर सकते हैं पैटर्न्स की। जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है इसमें जो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, और पैटर्न रिकॉग्निशन विदाउट सिस्टम नहीं होता है, इसमें जो फेड डेटा रहता है वो बताता है हमें कि क्या डिस्टिंग्विश है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी एनिमल्स का, तो हमें पता होता है कि मेमल्स जो होते हैं या फिश जो होते हैं या फिर बर्ड होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, तो हमने उसे डिस्टिंग्विश कर दिया मेमल कैटेगरी में बिटवीन डॉग्स एंड कैट्स। अब हमारा जो प्रीवियस क्लास में हमने सुपरवाइज लर्निंग देख लिया था, अभी हम अनसुपरवाइज लर्निंग समझ रहे हैं। तो जो डिफरेंस है, नॉट डिफरेंस, हम अगर कंपेयर करते हैं सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग को, तो जब आप कंपेयर करते हो तो आपका जो सुपरवाइज लर्निंग है उसमें हम यूज़ करते हैं लेबल डेटा सेट को, और जब हम लेबल डेटा सेट को यूज़ करते हैं तो हाँ सर टेबल यूज़ करते हैं लेबल डेटा सेट्स को, जो ट्रेन करता है एल्गोरिथम को आइडेंटिफाई करने के लिए और सॉर्ट करने के लिए, जो जो बेस्ड किस पर होते हैं, लेबल्स पे। इसके बाद हमने इनपुट ऑब्जेक्ट लिया और सैंपल लिया जिसमें हमारे करस्पॉन्डिंग लेबल होंगे। सर ये पेंसिल है वो वाले, इसमें जो हमने इनपुट ऑब्जेक्ट लिया या फिर हमने सैंपल लिया, इसमें करस्पॉन्डिंग लेवल है जिसमें जो एल्गोरिथम हम लर्न कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करेगी, क्लासिफाई करेगी उन इनपुट ऑब्जेक्ट्स को जो मैच होंगे सेम लेबल, जिनका लेबल सेम होगा। अगेन आई रिपीट, इसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट और सैंपल को लेंगे जिसके जो लेबल्स हैं, करस्पॉन्डिंग लेबल्स हैं, उसकी मदद से हम एल्गोरिथम यूज़ करके आइडेंटिफाई कर पाएँ या फिर क्लासिफाई कर पाएँ ऐसे इनपुट ऑब्जेक्ट्स को जो मैच करते हो सेम लेबल को। अदर वर्ड्स में हम बोलेंगे जो एल्गोरिथम है वो क्रिएट करती है मैप फ्रॉम जो भी हमारे पास इनपुट है उससे जो हमें आउटकम चाहिए उस पर। सो जो भी हम करते हैं इनपुट वो इनपुट कहलाता है, जो भी हमारे पास डेटा सेट्स आते हैं, और जब हम उसको एल्गोरिथम यूज़ करके हम फाइनल आउटपुट देते हैं तो वो हमारा बेसिकली आउटपुट हो जाता है। तो जो एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हो ये आपको आपको हेल्प करेगी कि आप मैप कर सकें जो भी आपके पास गिवन इनपुट है उसकी मदद से स्पेसिफिक आउटपुट को जनरेट करने के लिए। जब आप कोई भी ट्रेनिंग जब आप इसके करना सीख जाएंगे तो आपका जो भी डेटा रहेगा वो प्रॉपरली लेबल्ड हो जाएगा। क्यों, किस वजह से, क्योंकि जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं एंड डेटा साइंटिस्ट हैं वो ऑलरेडी इसको करेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद जो सुपरवाइज लर्निंग होती है वो यूज़ करती है लेबल ट्रेनिंग डेटा, और जो ऐसा भी जो लेबल्ड रहता है वो भी यूज़ करती है, और जो लेबल्ड वैलिड नहीं वैलिडेट डेटा रहता है उसे भी यूज़ करती है। सो ये अलाउ करती है एक्यूरेसी सुपरवाइज लर्निंग आउटपुट की, जो चेक होता है एक्यूरेसी में इस तरह से होता है।
इस तरह से होता है कि जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसे हम मेज़र नहीं कर सकते। जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं या फिर जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं, और नहीं सॉरी, जो आपके मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, वो ऑप्ट करते हैं यूज़ करना कॉम्बिनेशन अगर हो उनके पास लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा का उनके एल्गोरिथम में। इसमें थोड़ा सा एक ऑप्शन जो रहता है, जो बिटवीन वाला ऑप्शन रहता है, उसे हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। एक आपका सुपरवाइज होगा, एक आपका अनसुपरवाइज होगा, लेकिन जो इन बिटवीन रहेगा उसे हम सेमी सुपरवाइज कहते हैं। इसके बाद हम ये एक आपसे शीट शेयर की है जो जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे अभी मैंने आपको जब क्लास का फर्स्ट लेक्चर जब बताया, फर्स्ट लेक्चर था 4th यूनिट का, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें आप लोगों को क्या क्या कवर करना है। सो आपका जो सिलेबस है वो इसी तरह से जाने वाला है। सुपरवाइज लर्निंग में आपको लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर, मशीन, डिसीजन ट्री इन्हें पढ़ना होगा। जो अनसुपरवाइज है उसमें आपको अप्रायोर और के मीन क्लस्टरिंग रहेगी। फिर हम सेमी सुपरवाइज में किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं एडवर्स नेटवर्क्स, उसे हम देखेंगे। एंड लास्ट आपकी रहेगी रेनफोर्समेंट लर्निंग। सो सुपरवाइज लर्निंग जो रहती है, इसमें जो डेटा साइंटिस्ट रहता है वो प्रोवाइड करता है इनपुट आउटपुट, और उसके बेसिस पे फीडबैक जनरेट होता है जो मॉडल को बिल्ड करता है। इसमें हमने एग्जांपल जो हम पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री। तो जो अगर आप लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल देखते हैं, तो लीनियर रिग्रेशन में जो चीज़ इन्वॉल्व होगी वो होगी सेल्स फॉरकास्टिंग, रिस्क असेसमेंट, सपोर्ट वेक्टर, सॉरी, लीनियर रिग्रेशन में जो इंक्लूड होगी वो सेल्स होगी, सेल्स फॉरकास्टिंग होगी, रिस्क असेसमेंट होगा। इसके बाद जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, इसमें इमेज क्लासिफिकेशन या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है। डिसीजन ट्री में हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को देखेंगे, जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद आपका लास्ट आता है प्राइसिंग। जो अनसुपरवाइज लर्निंग है इसमें हम यूज़ करेंगे डीप लर्निंग, इसमें जो डीप लर्निंग रहती है वो यूज़ होती है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन और पैटर्न जनरेट होता है। यहाँ पे जो डेटा हम देते हैं वो अनलेबल्ड ट्रेनिंग डेटा रहता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं एल्गोरिथम के, वो अप्रियोर और के मीन क्लस्टरिंग है। अप्रियोर ये जब हम एल्गोरिथम देखेंगे तो उसमें सेल्स फंक्शन, वर्ड एसोसिएशन, सर्चर्स, इन सब को कवर अप करेंगे। के मीन क्लस्टरिंग जब हम देखेंगे तो के मीन क्लस्टरिंग की मदद से हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग या फिर सर्चर इंटेंट को चेक करेंगे। जो लर्निंग है इसके बाद जो आपका सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, विद द हेल्प ऑफ दैट आप बिल्ड करेंगे मॉडल, और उसमें जो कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, इसमें लेबल्ड अनलेबल्ड दोनों टाइप का डेटा रहेगा। इसमें सेट रहेगा कैटेगरीज का, जो सजेशंस और एग्जाम्पल्ड रहेंगे लेबल्स से। इसके बाद जो इसमें एग्जाम्पल एल्गोरिथम है, ये जनरेट करेगी एडवर्सल नेटवर्क, जिसमें इंक्लूड होगा ऑडियो वीडियो मैनिपुलेशन और डेटा क्रिएशन। जो सेल्फ ट्रेंड नेबियस क्लासीफायर है, इसे हम NLP में यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट आता है, डेट इज़ रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पे जो रीइन्फोर्समेंट लर्निंग है, यहाँ पे सेल्फ इंटरप्रेटिंग होगा, लेकिन जो कि बेस्ड होगा सिस्टम के रिवॉर्ड्स पे, पनिशमेंट से जो भी लर्न होगा, चाहे वो ट्रायल्स में हो या फिर एरर्स में हो, जिससे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके। यहाँ पे जो हमने एल्गोरिथम यूज़ की है एग्जाम्पल्स में, वो है क्यू लर्निंग और मॉडल बेस्ड वैल्यू एस्टिमेशन। तो जो क्यू लर्निंग है, इसमें पॉलिसी क्रिएशन हम समझेंगे और कंजप्शन रिडक्शन को देखेंगे। और जो मॉडल बेस्ड वैल्यू एस्टिमेशन है, इसमें हम लीनियर टास्क और एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स को चेक करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंप्लीट करेंगे।